Hello, hi guys, good afternoon and welcome to the session. This is Sana Khan, your math master teacher at Vedantu from past 1 year. Yes, so guys, finally we have completed one full year at our three amazing channels. So how are you guys feeling? So today is 28th of June and today was the very first session at the channel Mathemagician, Vedantu Number Ninjas and Vedantu Math Pirates, right guys? So welcome everybody and congratulations for completing one full year. आज हमने पूरा का पूरा एक साल कंप्लीट कर लिया बच्चों, एंड इट इज अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर मी. इट इज अ ह्यूज व्हाट कैन आई से, बिग 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 डील फॉर मी. एंड डेफिनेटली मेरे मैथमेजिशियंस, मेरे निंजास और मेरे पायरेट्स मेरे दिल के बहुत 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 ज़्यादा करीब है और हमेशा रहेंगे. एंड आई फील सो हैप्पी दैट वी हैव कंप्लीटेड वन फुल ईयर. सो हैप्पी एनिवर्सरी टू एवरीबॉडी. ये वी हैव कंप्लीटेड वन ईयर एंड आप हैप्पी बर्थडे बोल सकते हो. हैप्पी बर्थडे और हैप्पी एनिवर्सरी टू आवर थ्री ग्रेट ग्रेट अमेजिंग चैनल. वैसे इन दो चैनल्स के साथ हमारी कितनी मेमोरीज जुड़ी हैं इसका तो कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता. देर आर लोड्स एंड लोड्स एंड लोड्स ऑफ मेमोरीज. कितना कुछ हमने इस चैनल पे किया. हमने इतनी सारी पढ़ाई की, इतनी सारी मस्ती की, न्यू ईयर पार्टी किया, क्रिसमस सेलिब्रेशन किया, दिवाली सेलिब्रेशन किया, सो मेनी टाइप ऑफ सेलिब्रेशन, सो मेनी टाइप ऑफ फन, व्हाट नॉट, वीकली चैलेंजेस, मस्ती की मस्ती की पाठशाला तो अभी शायद हाँ मस्ती की पाठशाला ही बोल लो चलो, एंड क्विज की पाठशाला, देन सो वैदिक मैथ, ओलंपियाड, एप्टीट्यूड, वॉट नॉट. कभी मुझसे डांट खाए, कभी मुझसे तारीफें सुने, कभी मुझे फ्लैटर किया, तो कभी रुलाया, तो कभी हंसाया. इस अप एंड डाउन्स, बट आई विल से वेरी लेस डाउन्स एंड अ लॉट ऑफ अप्स वाली जर्नी को मैं तो हमेशा और याद रखूंगी. एंड सवाल ही नहीं कि मैं भूल जाऊँ, क्योंकि भूलने का तो कोई पॉइंट बनता ही नहीं है. वेदांतु हैज गिवन मी अलॉट एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड उस लॉट में आते हो आप लोग. तो वेदांतु में मुझे जो सबसे बेस्ट चीज़ मिली है, ऑफकोर्स वो दे आर माई स्टूडेंट्स जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ. एंड यू गाइज मीन सो मच टू मी. यू गाइज आर सो क्लोज टू माई हार्ट एंड आई रियली रियली लव ईच एंड एवरी बॉडी ऑफ यू. किसी भी सेशन में मुझे अगर एक भी बच्चा नहीं दिखता है तो मुझे बहुत बुरा फील होता है. अगर मुझे अपने सारे प्यारे प्यारे बच्चे सेशंस में दिख जाते हैं तो मुझे उतनी ही ज़्यादा खुशी होती है. सो इट्स लाइक फुल ऑन मिक्स्ड फीलिंग्स ओवर हियर एंड आई वुड जस्ट लाइक टू से थैंक यू सो मच बच्चों फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड इट मीन्स अ लॉट टू मी जितना प्यार आप लोगों ने मुझे दिया है. जब भी कोई बच्चा मुझसे कहता है कि मैम आपकी टीचिंग मुझे बहुत पसंद आती है, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, या फिर आपके पढ़ाने से मुझे कोई टॉपिक समझ में आ गया, आई ट्रूली फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ. मतलब आज अगर मैं अपने आप के ऊपर कुछ प्राउड फील करती हूँ, इट इज़ बिकॉज ऑफ यू गाइज. इट इज़ बिकॉज ऑफ वॉट यू गाइज हैव गिवन मी एंड वॉट आई फील फॉर यू गाइज. सो आई रियली रियली लव यू ऑल अ लॉट. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग इन टू माई लाइफ एंड मेकिंग इट सो ब्यूटिफुल. ओके सो गाइज, एज यू ऑल नो, टूडे इज द आस्क मी एनी थिंग सेशन. और आज के इस सेशन के लिए मेरे पास 100 से भी ज्यादा सवाल आए हैं, बट आई एम गोइंग टू आंसर दोज ऑल द क्वेश्चन. बट बिफोर दैट जल्दी से एक बार लाइक बटन को हिट कर दो. अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लो एंड ज्वाइन कर लो हमारे चैनल को, बिकॉज मेनी मोर अमेजिंग मैथमेटिक्स एंड फन सेशंस आर कमिंग ऑन दिस चैनल. ओके, क्विकली हिट द लाइक बटन एंड क्विकली सब्सक्राइब टू द चैनल. आज का हमारा टारगेट है भाई 200 लाइक्स का, ठीक है. हिमावारी नव्या, आई एम नॉट इग्नोरिंग यू. यस आई सॉ योर कमेंट, वेलकम. हाय स्तुति क्यूटी पाई, हाय करण, सौम्या, जैस्मिन, कोमल, प्रगति, डॉल्सी, आदित्य, माय डियर स्टोन कोल्ड, देन अंशुल, फैंडम, अमित, भावना, ऑफ कोर्स नव्या, आई रिमेम्बर यू, आई कैन नॉट फॉरगेट यू. हाय श्रेया, वंशिका, नव्या देशवाल, डॉल्सी, अंशु, हेय गाइस, हेय हाउ आर यू. वन ईयर ओल्ड बच्चे भूमि, आई भूमि.
हाय जेसिका, हाय आरुषि, हाय अमित, हाय उन्नति, हाय शिवानी, हेलो दिया, हाय हल्क, वेरी गुड, हाय प्रतीक्षा, हाय युगांशी, सेम टू यू बेटा, हाय देवास्मिता, हाय चंद, मानिश्री, प्रत्याक्षा, रिद्धि, उन्नति, स्टोन कोल्ड, सक्षम, आदित्य वर्मा, हेलो पीपल, हाउ आर यू गाइस, हाय कोमल, हेलो करिश्मा, हाय आयुष, आयुष विश्वास एंड आयुष मिश्रा, बोथ ऑफ यू, हाय हाय अमित, हेलो मृणाल, एवरीबॉडी वेलकम, यस, हैप्पी बर्थडे टू मैथमेटिशियन एंड निंजास एंड ऑफ कोर्स पायरेट्स एंड ऑल 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 माय स्टूडेंट्स, हैप्पी बर्थडे. इसी बात पे एक हाई फाइव हो जाए, जल्दी से मुझे हाई फाइव दे दो, कम ऑन क्विकली, गिव मी अ हाई फाइव. हाय एंजल, अब्दुल्ला, पलक, प्रज्यूषा, रियांका, अनुष्का, एवरीबॉडी, ओ कोमल राशि, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू. हाय अनामिका, अनवी, समृति. मैम सवाल पूछो, सवाल पूछने का टाइम तो चला गया भाई, अब तो आंसर सुनने का टाइम आ गया है. ठीक है, हाय सुदीक्षा, ऑफ कोर्स बेटा, हाय अंशिका, शैली, अंशिशा, आई एम सो सॉरी अगर मैंने किसी का नाम मिस कर दिया हो तो, आई एम सो सॉरी, बट आई एम ट्राइंग टू टेक अप ऑल योर नेम्स. आदित्य वर्मा, यस बेटा, हाय, यस, एवरीबॉडी वेलकम. सो टुडे इज द आस्क मी एनीथिंग सेशन, और आज हम जो आस्क मी एनीथिंग सेशन करने वाले हैं वो थोड़े से डिफरेंट फॉर्मेट में करने वाले हैं. ठीक है, क्वेश्चंस को मैंने रीड आउट नहीं किया है, आई हैव नॉट सीन द क्वेश्चंस. सो मेरी टीम ने एक शीट मेंटेन की है, आई विल शो यू गाइज द शीट, एंड इस शीट में आप सबके नाम के साथ आप सबका क्वेश्चन भी लिखा हुआ है. आई होप ऑल ऑफ यू कैन सी द शीट. ठीक है, नहीं भी देख सकते हो तो कोई टेंशन नहीं है, आई विल रीड इट आउट फॉर यू ऑल. और आज हम क्या करने वाले हैं, मैं रैंडमली आंख बंद करके एक नंबर बोलूंगी और उस नंबर के आगे जो भी हमारा क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को आई विल आंसर. ठीक है, सो आई विल पिक अ नंबर एंड आई विल आंसर दैट क्वेश्चन एट रैंडम. ठीक है, ओके, सो रैंडमली वी आर गोइंग टू डू इट. हेलो रुमेसा, हाय हिबा, हाय तस्कीन, हाय ईशा, हाय नीतू. गूगल फॉर्म में बोला था ना स्टोन कोल्ड सवाल पूछने के लिए, भूल गया क्या? हेलो परी, ओके गाइस, सो वी हैव प्रिपेयर्ड दिस शीट एंड लेट्स सी कि किसने क्या पूछा है, एंड वी आर गोइंग टू जस्ट पिक आउट क्वेश्चंस एंड आंसर एवरीबॉडी. ठीक है, ओके, सो स्टार्ट करें. हाई फाई दे दो, हाई फाई दे दो, तो समझ जाऊंगी स्टार्ट करने के लिए तैयार हो. जल्दी से हाई फाई दे दो, क्विकली गिव मी अ हाई फाई एवरीबॉडी. सानवी, सूरज, साक्षी, सहरिश, शिवानी, एवरीबॉडी हाई, एंड लेट कमर्स वेलकम. ओके ओके ओके, ये आई एम ऑल्सो वेरी 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 हैप्पी, कम ऑन लेट्स डू इट. अरे इट्स ओके आयुष, आई कैन रैंडमली पिक आउट द नेम माई सेल्फ ऑल्सो. चलो भाई लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट नंबर दैट आई एम गोइंग टू पिक अप इज, मेरे दिमाग में सबसे पहले आ रहा है 40, 4040. सो लेट्स सी 4040 पे किसका क्वेश्चन है, लेट्स सी. अरे ओके, जस्ट गिव मी वन सेकेंड. या 40 40 40 40 40 कहाँ गया, ये रहा एंजल का क्वेश्चन है. ओ माय गॉड एंजल, चलो तुम्हारा क्वेश्चन है. हेलो मैम, दिस इज एंजल. व्हाई यू चूज टू बी अ मैथ टीचर, व्हाई आर नॉट अ टीचर ऑफ अदर सब्जेक्ट, डू यू रिमेम्बर व्हेन आई जॉइन मैथमेटिशियन, इफ नॉट सो प्लीज जस्ट गेस. आई गेस एंजल तुमने ऑगस्ट के महीने में ज्वाइन किया था. नेक्स्ट, व्हाट शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इफ आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर. डॉक्टर बनने के लिए बायोलॉजी एंड जुआलॉजी आर द ऑफ कोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स. चूज बॉलीवुड और के पॉप. ऑफ कोर्स बॉलीवुड, आई एम अ बॉलीवुड लवर. हु इज योर ओल्ड स्टूडेंट हुम यू वांट टू कम बैक इन योर सेशंस. आई गेस इसका आंसर सब जानते हैं. वन ऑफ माई ओल्ड स्टूडेंट जिसे मैं हमेशा बहुत याद करती हूँ वो है अवनी सरोजा, एंड आई रियली वॉन्ट टू कम बैक to let to I want her to come back to the sessions. I do miss her a lot of times. And रहा पहले सवाल का जवाब कि why I chose to be a math teacher. तो मैंने जैसा कि आप लोगों को पहले ही बताया था बच्चों कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था केमिस्ट्री. ठीक है, बट पढ़ना और पढ़ाने में बहुत फर्क होता है.
पढ़ने के लिए मुझे केमिस्ट्री बहुत पसंद आती थी, बट जब आई बात पढ़ाने की तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि एक टीचर को वही सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए जिस सब्जेक्ट को वो बहुत अच्छे से समझता हो, ठीक है। तो मुझे केमिस्ट्री पढ़ना बहुत पसंद है, केमिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, बट मुझे हमेशा से लगता है, अभी भी लगता है कि मुझे बहुत कुछ सीखने को बचा है। अभी तक मैंने सब कुछ नहीं सीखा है केमिस्ट्री का, तो जब तक मैं सब कुछ नहीं सीख जाती तब तक मैं कैसे पढ़ा लूँ, राइट। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है विच आई फील कि हमेशा मैंने उसे समझ के पढ़ा था और सॉल्व किया था, तो आई ट्रूली फील कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके कॉन्सेप्ट्स पे मेरा कमांड है, और क्योंकि मुझे उसके कॉन्सेप्ट अच्छे से आते हैं, दैट इज व्हाई आई चोज टू बी अ मैथ टीचर। ओके एंजल, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स थिंक, नेक्स्ट नेक्स्ट किसका रहेगा, 98, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं 98 का, लेट्स सी हु इज ऑन 98। 98 इज परी, परी सिंह, मैम हाउ मच यू लव योर स्टूडेंट्स। अरे यार, बहुत सिंपल सा सवाल हो गया, यस परी, आई लव माई स्टूडेंट्स द मोस्ट। मेरी हर दिन की सुबह उठने का मोटिव ही मेरे स्टूडेंट्स होते हैं कि मैं आज अपने स्टूडेंट्स के लिए क्या करूं, उनके लिए कौन सा सेशन बनाऊं, और जो जो सेशन बना रही हूँ उसको कैसे परफेक्ट बनाऊं, अमेजिंग बनाऊं। सो मेरे स्टूडेंट्स ही मेरे हर दिन के खुशी का एक मोटिव है, तो ऑफ कोर्स आई रियली रियली लव माय स्टूडेंट्स बहुत से भी ज्यादा, ठीक है। अगला नंबर, लेट्स गेस इट टू बी 38, ठीक है। चलो ठीक है, 38 चूज कर लिया। 38 कहाँ है, पता है 38 क्यों आया मेरे दिमाग में, आई वॉज थिंकिंग ऑफ 28 और 38 आ गया फिर। एनी वेज, वेयर इज 38, आन्या भटनागर, मैम वेन एवर आई मैसेज यू फ्रॉम माई ईमेल आईडी और लाइव चैट और कॉमेंट ऑफ एनी वीडियो, यू कांट सी दोज कॉमेंट, आई हैव चेक माई इंटरनेट। ओके, ओ सो आन्या बेटा, ऐसा होता है कि कभी मान लो आपकी आईडी को यूट्यूब ने ब्लॉक कर दिया हो, तो अब आपके कॉमेंट्स को नहीं दिखाएगा, इट हैपेंस। अब आपको आईडी चेंज करनी पड़ेगी, इसको सुधारने का कोई और तरीका नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन, मैम हु इज योर इंस्पिरेशन, वॉट इज योर फेवरेट एक्टिविटी टू डू इन फ्री टाइम एंड बेस्ट मोमेंट ऑफ योर स्कूल टाइम। इतने सारे क्वेश्चन, ओ माई गॉड, ठीक है। हु इज माई इंस्पिरेशन, इसका जवाब मैंने पहले भी दिया है वैसे एक बार और। मेरी लाइफ के इंस्पिरेशन मेरे फादर हैं, आई ट्रूली एडमायर हिम। वो बहुत ही समझदार, बहुत ही आगे की सोच रखने वाले, बहुत काइंड, बहुत दुनिया में हर किसी की हेल्प करने वाले इंसान थे, अभी भी कोशिश करते हैं वो। सो डेफिनेटली माई फादर इज माई इंस्पिरेशन। माई फेवरेट एक्टिविटी टू डू इन फ्री टाइम, पहले मुझे पेंटिंग करना पसंद था, बट अब ऑफ कोर्स यू ऑल नो गार्डनिंग इज माई द मोस्ट फेवरेट पास टाइम, सो मैं गार्डनिंग करती हूँ बच्चों बहुत ज्यादा, ठीक है। बेस्ट मोमेंट ऑफ माई स्कूल टाइम, बेस्ट मोमेंट ऑफ माई स्कूल टाइम, नहीं आई डोंट थिंक सो देर इज एनी बेस्ट मोमेंट ऑफ माई स्कूल टाइम, बेस्ट नहीं, हाँ बेस्ट मोमेंट तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सो सॉरी आई कैंट थिंक ऑफ एनीथिंग लाइक दैट। ओके, नेक्स्ट नंबर आई कैन गेस ऑफ इज 12, तो चलते हैं अब आप 12 पे। 12 पे किसका नाम है, लेट्स सी। नव्या देशवाल, मैम व्हाट वाज योर फेवरेट सब्जेक्ट इन चाइल्डहुड अदर देन मैथ्स। इसका आंसर तो मैंने पहले ही बता दिया नव्या, केमिस्ट्री वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट व्हेन आई वाज इन स्कूल, ठीक है। ओके, ओ नाइस आयुष, 9, ठीक है। चलो अगला हम लेते हैं 27, लेट्स सी 27, हु इज देयर ऑन 27। मानवी सिंह, मैम रैपिड फायर, रैपिड फायर क्या रैपिड फायर, फेवरेट फूड, फेवरेट फूड, फेवरेट फूड बहुत सारे हैं यार, मुझे चिकन बिरयानी बहुत पसंद है, और फेवरेट फूड में आई थिंक चिकन बिरयानी मेरी फेवरेट है, उसके अलावा अफगानी चिकन ही मुझे बहुत पसंद है। एनीवेज, एंड फ्लावर, फेवरेट फ्लावर इज बोगनवीलिया, मेरा फेवरेट, द मोस्ट फेवरेट फ्लावर है बोगनवीलिया, एंड जहाँ भी मैं बोगनवेलिया देखती हूँ मैं पागल हो जाती हूँ, मेरी सारी फैमिली मेम्बर्स को पता है मुझे कितना ज्यादा पसंद है बोगनवेलिया। नेक्स्ट इज फुटवेयर, फुटवेयर में मुझे पेंसिल हील बहुत पसंद है, फेवरेट कलर इज ब्लैक, फेवरेट एक्टर इज नो सच एक्टर आई वुड से, ऐसा तो कोई एक्टर मुझे पसंद नहीं है, जो अच्छी एक्टिंग करते हैं वो अच्छे लगते हैं।
आई थिंक फेवरेट का हो गया बहुत, लवली फैमिली मेंबर. अच्छा, थैंक यू मानवी. आपके बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट और विलेज से हो? मैं बिहार में भभुआ डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मेरे विलेज का नाम है दिलदार नगर. ओके, एंड मैम प्लीज शो योर होल फैमिली मेंबर पिक्चर. आई एम सो सॉरी मानवी, अभी तो मेरे पास नहीं है पिक्चर, बट पिछले आस्क मी एनीथिंग में मैंने आपको दिखाया था, तो तब आप वापस से देख सकते हो उस सेशन को. ठीक है, अगला नंबर लेट्स चूज. 56 दिख रहा है मुझे लाइव चैट पे, चलो 56 देख लेते हैं. लेट्स सी 56. उदिति दत्ता, हाउ टू फोकस ऑन स्टडीज ड्यूरिंग दिस टाइम ऑल्सो विथ मेनी प्रॉब्लम्स. ऑल्सो विथ मेनी प्रॉब्लम्स में समझी नहीं, हाउ टू फोकस ऑन स्टडीज ड्यूरिंग दिस टाइम. वेल उदिति बेटा, अगर आप दिस टाइम में कोरोना वायरस एंड लॉकडाउन को रेफर कर रहे हो, तो डेफिनेटली लॉकडाउन का टाइम जो है वो बहुत से बच्चों के लिए बहुत टफ टाइम है, एंड ना सिर्फ बच्चों के लिए, हर एक इंसान के लिए बहुत टफ टाइम है. बट आई वुड से कि लॉकडाउन के टाइम पे पढ़ाई करना तो आसान हो गया है ना. आपको दुनिया भर की ऑनलाइन क्लासेस मिल रही हैं, हर टाइप के ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हो गई हैं इंटरनेट पे, तो आप उनसे पढ़ाई कर सकते हो. ऑफ कोर्स अगर आपके फैमिली में कोई अनवेल है, तो आई वुड सजेस्ट यू कि सिर्फ इतनी पढ़ाई करो जो आपको पास करने में मदद करे. आप ये मत सोचो कि आपको 100% लाना है, आप बस इतना सोचो कि आपको उस ईयर के कॉन्सेप्ट्स को जानना है, ठीक है, और उसके अलावा आपको 100% स्कोर नहीं करना है. अगर आपकी फैमिली सफर कर रही है, प्लीज अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, एंड प्लीज ट्राई टू स्टे विद देम, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड एवरीबडी अराउंड यू. मार्क्स आपकी जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं रखते हैं, लिटरली कोई वैल्यू नहीं रखते. जब मेरी एज क्या होगी तो सोचोगे कि क्या हम फालतू का 100% मार्क्स लाते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, ओके उदिति, नेक्स्ट इज 37. चलो ठीक है, 37 चलते हैं फिर. हु इज देयर ऑन 37? हिबा इज देयर ऑन 37, एंड हिबा इज सेइंग हाय मैम, योर स्टूडेंट हिबा. हाउ डू यू मेक पीपल फॉल इन लव विद यू एंड मैम? I hope so that I make people fall in love with me and with Matt. Well, I don't know इसका मैं आंसर क्या दूँ. हाँ, मुझसे कोई प्यार करता है कि नहीं वो तो मुझे नहीं पता, बट अगर मेरी वजह से कोई मैट से प्यार करने लगे तो इट्स अ बिग बिग डील फॉर मी. एंड डेफिनेटली मैथ से प्यार करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और जो मैं हमेशा अपनाती हूँ वो है कि किसी फन रियल लाइफ एग्जाम्पल से मैथ को एसोसिएट कर लेना. दैट इज माई मोटिव मैथ पढ़ाने का, और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसे ही मैथ पढ़ाऊँ कि मैं बिल्कुल फन रियल लाइफ के एग्जाम्पल से एसोसिएट कर सकूँ, ताकि आपको मैथ का हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ सके. ठीक है, ओके. हाय सुप्रिया, क्या बात है, आज तो ट्विंकल जी भी आई हैं. हेलो एंड हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू. ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों. चलो लेट्स सी द नेक्स्ट वन. 64 पे चलते हैं. लेट्स सी 64. प्रवर्धन इज आस्किंग मैम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैथ? आई डोंट नो, आई थिंक मैथ इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ नंबर्स. मैथ वर्ड का मतलब क्या है, आई डोंट नो, आई एम सो सॉरी, गूगल कर लेना. ठीक है, अगला देखते हैं. अब सिंगल डिजिट पे आ जाते हैं, 7. ठीक है, लेट्स सी 7. अनन्या त्यागी, मैम आई लाइक योर सेशंस वेरी मच, सो स्वीट ऑफ यू अनन्या. मैम विच इज योर फेवरेट ड्रीम प्लेस? वेल ड्रीम प्लेस तो बहुत सारे होते हैं, बट जैसे मुझे अगर बोला जाए कि हाँ तुम्हें दुनिया भर का पैसा मिल रहा है, तुम जहाँ जाना चाहो जा सकती हो, बताओ क्या करना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा घर होता जहाँ से हमें पहाड़ भी दिख रहे हैं, जहाँ से हमें वाटरफॉल भी दिख रहा हो, और ब्यूटीफुल सा एक सी भी हो, कुछ ऐसा सा, मतलब नेचर से सराउंडेड एक हाउस हो जहाँ आप हर तरफ बस नेचर को देख सकते हैं. दैट इज़ आई थिंक अ ड्रीम प्लेस फॉर मी. मुझे नेचर के आसपास रहना बहुत अच्छा लगता है, तो दैट विल बी डेफिनेटली अ ड्रीम प्लेस. ओके, यस, वन ईयर एनिवर्सरी में उनका भी हाथ है इस चैनल का. डेफिनेटली डेफिनेटली पायरेट्स चैनल को अपर्णा मैम ने ही इतने आगे लाया था एंड डेवलप किया था, एंड डेफिनेटली अपर्णा मैम का बहुत बड़ा हाथ है, नो डाउट इन दैट. ओके, नेक्स्ट नंबर 13. चलो ठीक है, 13 चूज करते हैं. नव्या देशवाल का है, नहीं नव्या का क्वेश्चन हम ऑलरेडी ले चुके हैं, सो 13 नहीं लेंगे. 41, चलो 41 इज अ गुड नंबर.
लेट्स गो टू 41। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये है रुमैसा जी का क्वेश्चन। बच्चों देख रहे हो रुमैसा की मेहनत, कितना बड़ा उसने लिखा है डाउट। रुमैसा दो डाउट, दो क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन नहीं चूज करने वाली मैं, ठीक है। एनी फाइव एक्ट्रेसेस यू लाइक द मोस्ट, प्लीज एक्टर एक्ट्रेस का मत पूछा करो यार, मेरा कोई फेवरेट नहीं है, ठीक है। डू यू लाइक टू स्विंग व्हील और शिप इन पार्क? नन ऑफ दीज, मे बी स्विंग अ बिट, ठीक है। इन चाइल्डहुड हाउ वॉज योर मैथ टीचर, रूड और स्वीट? वॉट योर पेरेंट्स कॉल यू एज अ निक नेम? ये मैं नहीं बताने वाली। हाँ, बाय द वे माई मैथ टीचर वॉज रूड, माई मैथ टीचर वॉज नॉट गुड, डेफिनेटली नॉट गुड इन द टर्म्स। वो कभी भी बेसिक से नहीं पढ़ाते थे, बहुत हाई लेवल से पढ़ाते थे, तो कभी वो बच्चों के लेवल तक जाते ही नहीं थे। तो दैट्स वाई मुझे अपने मैथ्स टीचर नहीं पसंद आते थे उस टाइम पे। आई होप कि मैं उनकी जैसी नहीं हूँ। एंड इन स्कूल टाइम अभी आप क्या मॉनिटर के ग्रुप लीडर थी? यस, मैं कई साल मॉनिटर रही थी और कई साल ग्रुप लीडर रही थी, और हर साल मॉनिटर मैं ही बनती थी। तो यस, मॉनिटर में रही हूँ। चाइल्डहुड पिक, ये ओके, चाइल्डहुड फोटो आई विल डेफिनेटली शो यू गाइस समडे, पक्का, प्रॉमिस। डू आई लाइक सॉफ्ट टॉयज? यस। फेवरेट यूट्यूबर गार्डन अप की एकता चौधरी, बिकॉज वंस अगेन बिकॉज ऑफ गार्डनिंग। एंड डू आई लाइक टू प्रैंक माई सिबलिंग्स? नो, मेरी बड़ी बहन मुझे पीट डालेगी तो मैं उसके साथ कभी करती नहीं हूँ। मेरा छोटा भाई भी मुझसे बहुत खतरनाक है, तो उसके साथ भी मैं कभी प्रैंक नहीं करती हूँ। हाँ, जो मेरी सबसे छोटी बहन है सारा, उसके साथ मैं बहुत मस्ती करती हूँ, तो आई थिंक सिर्फ सारा के साथ ही मैं मस्ती कर पाऊंगी। नेक्स्ट इज, अब 100 की लाइन में चलते हैं, 103 देखते हैं। 103 है तुषार। मैम प्लीज डू अनदर बीटीएस क्विज। अरे भाई, रिक्वेस्ट कर दिया तुषार ने, तो चलो ठीक है, ओके तुषार, थैंक यू फॉर रिक्वेस्टिंग। आदित्य राव नॉट इग्नोरिंग यू। नेक्स्ट इज 82, चलो 82 पे है एमन खान। ओके एमन, आर यू देयर इन द सेशन? सो एमन ने पूछा है, मैम हाउ कैन आई फोकस ऑन माई स्टडीज? जब भी पढ़ने बैठती हूँ मेरे माइंड कहीं और चला जाता है, इसके लिए क्या करूँ? और मैम मेरी कैट मुझसे अलग हो गई है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, और अपने आप को संभालू मैं ऐसे 2 साल से गुजरी। ओके एमन बेटा, पहली बात तो अगर आप बैठते हो और आपका ध्यान इधर उधर भटकने लगता है तो हाई फाई, आप बिल्कुल मेरे जैसे हो। मैं भी ऐसी हूँ, जब भी मैं पढ़ने बैठती थी मेरा दिमाग पूरी दुनिया में घूमने चला जाता था, पूरी दुनिया में, और वापस आता ही नहीं था। तो मैं बहुत ही पुअर कॉन्सेंट्रेटर रही हूँ। तो पढ़ाई में ध्यान कैसे लगे का एक ही तरीका है, आप पढ़ाई को इस मोटिव से पढ़ो कि उस टॉपिक को आप समझने जा रहे हो, ठीक है। उस टॉपिक को समझ के आप किसी को पढ़ाने वाले हो। अपने आप को एक डेडलाइन दे दो कि तुम्हें ये टॉपिक पढ़ के उस फ्रेंड को समझाना है। अगर नहीं समझाओगे तो बेइज्जती हो जाएगी, समझो, और गलत समझाओगे तब तो डबल बेइज्जती हो जाएगी। तो अपने आप को एक डेयर दे दो कि भैया तुमको तो पहले खुद समझना है, फिर किसी और को समझाना है, और फिर पढ़ो। तब तुम्हारा ध्यान कभी भी इधर से उधर नहीं होगा। और अदरवेज है टाइमर लगा के पढ़ो और अलार्म लगा के पढ़ो, बट ये सब मुझे इनफेक्टिव लगते हैं क्योंकि मुझ पे तो असर नहीं किया इन सब चीजों ने, सो आई नेवर नो, ठीक है। 29, ओके सो 29 देख लिया जाए, किसका है भाई 29? सक्षम खान दुबे का है। ओके, बेस्ट थिंग हैपेंड टू यू टिल नाउ इन गुड़गांव? बेस्ट थिंग में तो दो चीजें हैं, ऑफ कोर्स बेस्ट थिंग हैपेंड वॉज माई मैरिज इन गुड़गांव। सेकेंड बेस्ट थिंग हैपेंड इज द सन ऑफ माई सिस्टर। तो मेरी जो सिस्टर, मेरी जो सगी बहन है सबा, वो गुड़गांव में ही रहती है, मेरे घर से 15 मिनट दूर ही रहती है। एंड इन द मंथ ऑफ अप्रैल शी डिलीवर्ड अ बेबी बॉय जिसका नाम है दानियाल। तो मैं मौसी बन गई। सॉरी, मैंने आप लोगों को नहीं बताया क्योंकि मैं कुछ चीज़ों से डरती हूँ, और उस टाइम मैंने आप लोग को ये अच्छी खबर नहीं बताई थी क्योंकि मुझे नजर लगने का डर लगता है। तो सेकेंड बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू मी इन गुड़गांव एंड लाइक वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड इन माय लाइफ इज दानियाल, एंड आई रियली लव हिम। ही इज वेरी स्वीट, ही इज वेरी हैंडसम, ही इज वेरी क्यूट बॉय। अभी वो 2 महीने 10 दिन का हो चुका है। सो डेफिनेटली गुड़गांव में मेरी वन ऑफ द फेवरेट मेमोरी तो दानियाल की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 50, लेट्स सी 50, लेट्स सी 50, हु इज एट 50? छाया कदम,
मैम व्हाई आर यू नॉट मेकिंग वीडियोस इन योर चैनल मस्ती की पाठशाला. उप्स, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग टाइम टू मेक वीडियोस फॉर दैट चैनल. आई एम सो सॉरी, क्योंकि मैं आपके चैनल पायरेट से बहुत सारी चीजें प्लान कर रही हूँ. दैट इज व्हाई आई डोंट गेट टाइम टू डू दैट. सो सॉरी छाया. हाय परमवीर, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, टू योर चैनल एंड अपर्णा मैम एंड एवरी पायरेट्स एंड एवरी मैथमेटिशियन एवरी निंजा. 113, चलो भाई निशी ने बोला है 113, तो चलते हैं फिर 113 पे. कोमल ने पूछा है, मैम प्लीज टेल अस अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड स्वीट मेमोरीज विथ हिम और हर और विथ योर फैमिली. ओके, माय बेस्ट फ्रेंड्स, तो अपने बेस्ट फ्रेंड्स के बारे में जरूर बताना चाहूंगी. मेरे 3 बेस्ट फ्रेंड हैं और हमारी गैंग का नाम है S4, द S4 जज्बाती. ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा नाम है और बहुत फेमस थे हम कॉलेज में, हम चारों बेस्ट फ्रेंड्स. तो मेरे जो 3 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, एक का नाम है सारंगा, एक का नाम है श्रेया और एक का नाम है सानिया और मेरा नाम है सना. तो हम चारों का नाम S से स्टार्ट होता है और दैट इज वाई हमारे ग्रुप का नाम है द S4 जज्बाती. जज्बाती इसलिए क्योंकि हम कॉलेज टाइम पे बहुत जज्बाती थे. हम क्लास के बीच में बोलते थे बंक मारना है और हम उठ के निकल जाते थे. हम टीचर के सामने से क्लास से बाहर में चले जाते थे. हम सोचते थे आज क्लास नहीं जाना तो हम पूरे दिन क्लास नहीं करते थे. हम बहुत जज्बाती थे. हमारा मन करता था लॉन्ग ड्राइव पे जाने का तो हम बस निकल जाते थे बिना किसी को इन्फॉर्म किए, पूछे, कुछ भी किए. तो हम बहुत जज्बाती थे और हमने बहुत सारी मस्ती की. मतलब ऐसी कोई एक अमेजिंग मोमेंट मैं आपको नहीं गिना सकती हूँ. कॉलेज लाइफ वॉज द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ, जब मैंने बहुत मस्ती की थी अपने इन 3 दोस्तों के साथ. और हमारा गैंग बहुत ही अमेजिंग था. हम लोग बिलीव करते थे कि कॉलेज पढ़ाई करने के लिए नहीं होता है, मस्ती करने के लिए होता है. और हम बहुत मस्ती करते थे. बट ऑफकोर्स एग्जाम से पहले हम पढ़ाई करते थे और हमारे बहुत अच्छे मार्क्स भी आ जाते थे, तो फिर हमें और बहाना मिल जाता था मस्ती करने का. सो इट वेंट ऑन लाइक दैट. और कॉलेज लाइफ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी लाइफ का. कभी भी कॉलेज लाइफ को बहुत सीरियसली नहीं लेना, इंजॉय जरूर करना बिकॉज वो टाइम लौट के नहीं आता. और कॉलेज लाइफ में जो एंजॉयमेंट की है वो तो भैया आप जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते. ओके चलो, सो अगला नंबर है 85. लेट सी 85 नाउ. रिधिमा जायसवाल इज आस्किंग, मैम व्हेन विल द वीडियो बिहाइंड द सीन्स ऑफ वेदांत कम. हेलो मैम, हाउ आर यू? यू लुक वेरी प्रेटी एंड ब्यूटीफुल, लोड्स ऑफ लव. ओह सो स्वीट ऑफ यू रिधिमा, सो स्वीट ऑफ यू, लव यू टू. बिहाइंड द सीन्स मेरे जो टीम मेंबर है ना वो बहुत बदमाश हैं, वो लोग रिकॉर्ड कर नहीं रहे बच्चों, इसलिए नहीं आ रहा है वो. ठीक है, जब वो कर लेंगे ना तो वो आ जाएगा. ठीक है, ओके ओके. नाउ नेक्स्ट किसका, 51. चलो ठीक है, रेचल ने बोला है 51, लेट्स गो ऑन 51. मैम आर यू मैरिड? एंजल ने पूछा है. यस आई एम मैरिड और मेरी एनिवर्सरी आने वाली है 24th of July को, याद रख लो, विश कर देना मुझे. ठीक है, 24th of July इज माय मैरिज डेट ऑन 2020. ओके, हैप्पी बर्थडे निधु, हैप्पी बर्थडे रिधिमा जायसवाल. ये शीट कैसे भरे जोया बेटा? ये शीट पिछले हफ्ते भरनी थी, अगर आप पिछले हफ्ते सेशन में आते तो आपको भरने मिल जाता. ठीक है, यस शिवांगी बेटा, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट. 120 इज द नेक्स्ट नंबर, लेट्स सी 120. वेदिका चौधरी पूछ रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑल योर सेशंस आर अमेजिंग, ओह थैंक यू. माय क्वेश्चन इज 1 kg रॉक. ओह माय गॉड, मैथ का क्वेश्चन, आई एम सो सॉरी वेदिका, बट मैथ का क्वेश्चन आज नहीं लेंगे हम, फिर कभी ले लेंगे. ठीक है, हाय वंदित, थैंक यू सो मच. ओके रुमेसा, बाय बाय. चलो अब रैंडमली तो बहुत कर लिया, अब शुरू से करते हैं. ठीक है, लेट्स टेक ऑल द डाउट्स वन बाय वन, सारे बच्चों का डाउट वन बाय वन लेते हैं. लेट्स टेक वन बाय वन. नाउ नंबर 1 पे है विनीत कुमार आस्किंग, व्हेन यू ज्वाइन वेदांतु एंड यू वर टीचिंग ऑन एनी अदर प्लेटफॉर्म. आई ज्वाइंड वेदांतु इन द मंथ ऑफ मे एंड आई स्टार्टेड टीचिंग फ्रॉम 28 June, दैट इज व्हाई एनिवर्सरी इज ऑन 28 June. आई वाज नॉट टीचिंग ऑन एनी अदर प्लेटफॉर्म एट वेदांतु बिफोर दिस, सॉरी अपार्ट फ्रॉम वेदांतु बिफोर दिस. नेक्स्ट पूछा है आदित्य रॉय ने, टेल मी योर ओवरऑल क्लास 10th का रिजल्ट. क्लास 10th में बच्चों मार्किंग का सिस्टम नहीं था, सीजीपीए का सिस्टम था. आपने सीजीपीए का सिस्टम सुना है आप लोगों ने?
सो सीजीपीए का सिस्टम जो है उसमें ग्रेडिंग सिस्टम होता था. सो क्लास 10th में मेरा आया था 9.8 आउट ऑफ 10, बिकॉज मुझे सारे सब्जेक्ट में 10 आउट ऑफ 10 मिला था. सिर्फ इंग्लिश में 9 आउट ऑफ 10 मिला था, बिकॉज इंग्लिश में आई गॉट A2 ग्रेड, नॉट A1 ग्रेड. सो दैट इज वाई मेरा ओवरऑल स्कोर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की वजह से 9.1 हो गया था, विच वॉज एक्सपेक्टेड. मुझे पता था कि इंग्लिश में मुझे कभी उतना अच्छा आता नहीं है लिखना और मुझे नहीं मिलने वाला है. सो दैट वॉज एक्सपेक्टेड. आई वॉज हैप्पी कि मैथ, साइंस, एस एस टी इन सब्जेक्ट मेरा 10 आउट ऑफ 10 आया था. सो दैट वॉज माई मार्क्स इन क्लास 10. हैव यू एवर गॉट 0? येस, मैंने आपको कितनी बार बताया है 0 की क्या बात करते हो बच्चों. मेरा -4 भी आया है, -4 इन मैथ एग्जाम, आई एम टेलिंग यू गाइज. ठीक है, सो -4 इज द लोवेस्ट स्कोर आई हैव एवर स्कोर्ड ऐश्वर्या बेटा. एंड जीरो जीरो मेरा कॉलेज में आया था, स्कूल में तो 0 नहीं आया था, बट -4 स्कूल टाइम में आया था. और उस टाइम -4 इसलिए आया था क्योंकि मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी, मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी, पूरा ध्यान मैं केमिस्ट्री पे दे रही थी, तो इसलिए मेरा -4 आया था. ठीक है. नेक्स्ट इज रिया प्रजापति. कैन यू शो द पिक्चर्स ऑफ योर पेरेंट्स, सिस्टर एंड पेट्स? यस, आई विल शो यू ऑन टेलीग्राम और समवेयर एल्स. देन हिबा ने पूछा है, मैम प्लीज गिव अ टाइम टेबल फॉर द डे इंक्लूडिंग हॉबी, स्टूडेंट, ट्यूशन. डन हिबा, आई विल डेफिनेटली डू दैट इन अ सेशन. नेक्स्ट इज शिफा. मैम इफ यू गेट अ चांस टू गो टू लंडन फॉर 5 days इन फ्री, बट यू कांट टेक योर फैमिली विथ यू, सो वुड यू गो अलोन और वॉट विल यू डू? येस, मैं चली जाऊंगी अकेले भी. अगर मुझे फैमिली को ले जाने का मौका नहीं मिला तो मैं अकेले चली जाऊंगी बच्चों, कोई टेंशन नहीं है. ठीक है, आपको मौका मिले तो आप भी चले आना, कोई टेंशन नहीं है. टेल योर चाइल्डहुड. ओके, इट्स अ गुड क्वेश्चन. मेरा चाइल्डहुड ऐसा है बच्चों कि मैं बचपन से बहुत खुश रहने वाली इंसान रही हूँ. ऐसा नहीं कि लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं रही है. मेरी लाइफ में, हमारी फैमिली की लाइफ में भी कई बार बहुत सी प्रॉब्लम्स आती थी, बहुत से अप्स एंड डाउन्स देखे हैं हमने. बहुत लो से भी देखा है, बहुत कभी कभी हाई भी देखा, कभी कभी बहुत सैडनेस भी देखी, बहुत लोगों की बीमारियां भी देखी, सब कुछ देखा. बट मैं अंदर से बहुत खुश रहने वाली इंसान थी. मुझे ऐसा हमेशा 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 से फील होता आया है कि आपको हर मोमेंट को थोड़ा सा खुश रहना चाहिए. ठीक है, हर मोमेंट को थोड़ा सा एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि ये टाइम जो आज है वो कल कभी नहीं आएगा. तो मेरे चाइल्डहुड में बहुत मस्तीखोर रही हूँ मैं, बदमाश रही हूँ मैं, कभी कभी मैं गुंडी टाइप की भी रही हूँ, बहुत बॉस लेडी टाइप की भी रही हूँ, नेता टाइप की भी रही हूँ. तो आई वुड से डेफिनेटली कि मैं थी तो बहुत बदमाश. स्कूल टाइम पे बहुत खेलती थी, बहुत बदमाशियाँ करती थी, प्रैंक्स करती थी, सब कुछ करती थी, बट एट द सेम टाइम पढ़ाई भी बहुत करती थी. एंड आई वॉज गुड इन स्टडीज, एंड इसलिए मुझे कभी पेरेंट्स से भी डांट नहीं पड़ती थी. और टीचर से डांट पड़ती थी तो मैं पेरेंट्स को ही बताती नहीं थी. तो मैंने बहुत सारी मस्तियाँ की हैं, बहुत सारी बदमाशियाँ की हैं, तो आपको भी करनी चाहिए क्योंकि ये टाइम कभी भी दोबारा नहीं आता. ठीक है, नेक्स्ट इज आई थिंक अनन्या का तो हमने लिखा. रोनित का, हाय रोनित, सत श्री अकाल. माय क्वेश्चन इज दैट डू यू हैव एन इंटरेस्ट इन एनी अदर फील्ड अदर देन मैथ? अदर देन मैथ अगर बोला जाए तो मेरा इंटरेस्ट है एक नर्सरी खोलने का और गार्डनिंग करने का और प्लांट्स उगाने का और उन्हें सेल करने का. मैं अपना खुद का एक नर्सरी अगर कभी ओपन कर पाई तो दैट इज माय अनदर इंटरेस्ट ऑफ माय लाइफ. अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक सो दैट देयर इज एनी अदर सच इंटरेस्ट. ठीक है, हाय डोरा, हैप्पी एनिवर्सरी, थैंक यू सो मच. ओके ओके ओके, वेयर डू आई बिलोंग? आई बिलोंग टू बिहार. बैव डैश. ओके निधु, थैंक यू. यस, नेम्स आर नॉट विजिबल. अच्छा, अभी विजिबल हो जाएगा, ये लो नाम, अब आपको विजिबल हो जाएगा. अगला है जेसिका ने पूछा है, मैम व्हेन समवन टीजिंग यू हाउ यू फील? बहुत गुस्सा आता है मुझे, कोई मुझे परेशान करता है तो ऑफ कोर्स गुस्सा आएगा. एनी टाइम डू यू लाई टू योरसेल्फ? अपने आप से झूठ बोलना? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं. अपने आप से कैसे झूठ बोलेंगे और क्यों बोलेंगे? ऑनेस्टली डू यू लाइक योर लाइफ? यस, I love my life. I am very grateful to God for my life. God has given me everything, a very good health, a very good family, a very good job, a very good students.
दैट इज डेफिनेटली आई लव माई लाइफ. ठीक है, अगला है नवु का, विच इज योर एक्सप्रेसिंग फोटो. आई डोंट नो, शायद थंबनेल से बहुत एक्सप्रेशन बनाती हूँ मैं. विच इज योर मोस्ट यूज ऐप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम. विच इमोजी यू यूज अलॉट, आई थिंक नहीं, मैं इमोजीज ऐसे भी बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, कोई पर्टिकुलर इमोजी ज्यादा नहीं है. मैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आई यूज अ लॉट ऑफ इमोजीज. देन आई थिंक योर फोटो विथ योर सिस्टर, ओके दिखाऊंगी कभी ना कभी. एनी टूरिस्ट प्लेस वेयर यू गो विथ योर स्कूल टीचर्स एंड स्कूल क्लासमेट्स. येस आई वेंट, जब मैं स्कूल में पढ़ाती थी तो मैं एज अ टीचर गई हूँ, एज अ स्टूडेंट तो कभी नहीं गई. हाउ टू कम्प्लीट पेंडिंग स्कूल होमवर्क फास्ट, इसके लिए आप हर दिन एक टाइम फिक्स कर लो कि आपको उस टाइम पे वो काम करना ही है. अगर नहीं करोगे तो काम नहीं बनेगा. सो फिक्स अ टाइम जब आप अपना काम करोगे ही करोगे, एंड एट दैट टाइम यू कैन डू योर जॉब एवरी डे. इस तरीके से आपका पेंडिंग वर्क धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा. ओके गाइज, नव्या देशवाल के तो क्वेश्चन हम ले चुके हैं. ऋतिक राज इज आस्किंग, मैम यू आर अ वेरी गुड टीचर, आई लव योर क्लासेज, यू आर द बेस्ट. ओ थैंक यू सो मच ऋतिक. नेक्स्ट इज आरुषि, मैम माई क्वेश्चन इज दैट विच टाइप ऑफ वाटर डू यू ड्रिंक, कोल्ड और नॉर्मल. मुझे कोल्ड वाटर बहुत पसंद है. वॉट यू लाइक मोस्ट, जुम्बा एक्सरसाइज और योगा? जुम्बा, जुम्बा इज माई फेवरेट. आई ट्राई टू डू जुम्बा मोस्ट ऑफ द डेज. विच बुक टू फॉलो इन मैथ, एनसीईआरटी, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल. इनफ. हाउ टू फाइंड एलसीएम, एलसीएफ, डाउट सेशन ही बता दूंगी. आज डाउट सेशन नहीं है, आस्क मी एनीथिंग सेशन है. Danya, have you ever done cheating in your exam? Yes, I have done cheating in my exam. और कौन से exam में, वो भी बता देती हूँ. I think class 8, मतलब class 7th, 8th के time पे जब GK का exam होता था. I don't know why, but GK में मेरा कभी interest नहीं रहा. I was least interested in GK. मुझे GK बिल्कुल भी नहीं पसंद था, और मुझे बहुत टाइम वेस्ट लगता था कि क्या हम फालतू का बैठ के रट रहे हैं, किसने कौन सी बुक लिखी, किसने क्या किया. तो जीके के एग्ज़ाम में मैं कभी पढ़ के नहीं आती थी, और हमेशा अपने आजू बाजू वालों से पूछ के आंसर लिख देती थी, और कभी भी अपना टाइम स्पेंड नहीं करती थी मैं जीके की पढ़ाई में. दैट इज़ वाई जीके के एग्ज़ाम में मैंने बहुत चीटिंग की है. ओके यस कोमल राजपूत बेटा, मैंने आपका क्वेश्चन आंसर देख लिया था. ओके क्या आपने कभी झूठ बोला है? अबे झूठ कौन नहीं बोलता भाई. यस मैंने भी झूठ बोला है, सब झूठ बोलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. ऑफ कोर्स. इन विच स्टेट एंड सिटी आई वाज बोर्न? आई वाज बोर्न इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा, इन द सिटी खुर्दा. सो आई वाज बोर्न इन उड़ीसा. ओके यस लाइट आ गई. आपने कोडिंग सीखी है क्या? ऑफ कोर्स दर्शन, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ तो मैंने कोडिंग तो सीखी होगी ना भाई. यस आई एम अ वेबसाइट डेवलपर आल्सो, मुझे वेबसाइट डेवलपमेंट भी आता है. एंड इवन मैंने जावा भी सीखा था, मैंने C++ ऑफ कोर्स सारे आईटी इंजीनियर सीखते ही हैं. एंड बट मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट था वेबसाइट डेवलपमेंट में, एंड मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट की पूरी पढ़ाई की है. मेरे प्रोजेक्ट भी रहे हैं, मैंने वेबसाइट्स भी बनाई हैं कुछ रेस्टोरेंट्स की, जो शायद अब फंक्शनल नहीं है वो रेस्टोरेंट, मतलब वो पुरानी बात है जब हम कॉलेज टाइम पे थे. तो यस मैं कोडर थी, कोडर अभी भी हूँ, अभी भी आती है मुझे कई सारी कोडिंग. एंड मैम आर यू मैरिड, एट वॉट एज यू मैरिड? अभी बताया था मैंने इसका आंसर, 24 जुलाई 2020 आई गॉट मैरिड. हाउ टू स्टडी विदाउट डिस्ट्रैक्शन बता दिया. फेवरेट चॉकलेट एंड केक, मेरा फेवरेट 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 डेजर्ट है बच्चों, न्यूटेला वॉफल. न्यूटेला वॉफल मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, उससे ज्यादा शायद मुझे कुछ नहीं पसंद है. हाँ ओके, फुल होम टूर करो. ठीक है होम टूर, सारा की पीपीटीज, अपना डे टू डे काम कैसे मैनेज करते हो. ठीक है ओके दिया, आई विल टेल यू ऑल ऑफ दीज सम डे डेफिनेटली. अरे भाई रूम ऐसा कट्टी मत हो, जवाब तो दिया था मैंने, इतने सारे आंसर्स तो दिए. माई सिस्टर्स, यस मेरी एक बड़ी बहन है जिसका नाम है सबा, जो एक साल बड़ी है, जो गुड़गांव में रहती है, उसकी शादी हो चुकी है. एक छोटी बहन है जिसका नाम है सारा, जो क्लास 9th में है अभी. और एक भाई भी है जिसका नाम है साकिब,
जिसने बीटेक कंप्लीट कर लिया है और एमबीए करने जा रहा है इस साल से, उसका एडमिशन हो गया है एमबीए के लिए. सो वी आर टोटल फोर ब्रदर एंड सिस्टर्स. यस जॉयल, दिस इज द पार्ट टू. ओह थैंक यू प्रत्याक्षा. अगला क्वेश्चन तेजस्विनी, वेयर डिड यू वर्क बिफोर वेदांतु? वेदांतु से पहले मैं आकाश में थी. आकाश का नाम सुना है? आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड. आकाश एकेडमी में मैं पढ़ाती थी और मैनेजर भी थी वहां पे. विच इज योर फेवरेट चॉकलेट? डेरी मिल्क, फ्रूट एंड नट. हु इज योर फेवरेट स्टूडेंट इन द क्लास? नोबडी. नोबडी इज माई फेवरेट. एवरीबडी इज माई फेवरेट एक्चुअली. रिया प्रजापति इज आस्किंग, कैन यू गिव मी सम टिप्स टू स्टडी ऑल द सब्जेक्ट विथ मैथ व्हाइल एग्जाम इज नियर? वन रिक्वेस्ट इज प्लीज टीच वन चैप्टर ऑफ 9th स्टैंडर्ड, दैट इज नंबर सिस्टम. ओके, सो मैथ की पढ़ाई करना बाकी सब्जेक्ट्स के साथ इज लाइक, बच्चों मैथ को आप प्रैक्टिस करो, बाकी सब्जेक्ट्स को आप समझो. सो मैथ को आपको सेपरेटली समझने की जरूरत नहीं है, आपने क्लास में समझ लिया काफी है. मैथ को बस थोड़ा थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहो बाकी सब्जेक्ट के साथ, तो आपकी तैयारी हो जाएगी. ओके रिया. मानवी का तो आंसर हम दे चुके हैं. आरोही, व्हेन विल यू ब्रिंग ओलंपियाड? इसका जवाब मैं दे चुकी हूँ. ओलंपियाड सीरीज कैन नॉट कम ऑन दिस चैनल. ओलंपियाड सीरीज विल ओनली रन ऑन ओलंपियाड स्कूल. वेदांतु ओलंपियाड स्कूल VOS का चैनल है, वहां पे आप ओलंपियाड की पढ़ाई कर सकते हो बच्चों. ठीक है. ओके, नेक्स्ट इज सक्षम का तो हो चुका. गौरी, गौरी ने पूछा है, मैम आई समटाइम्स वेरी एंग्री बिकॉज देयर आर सम बैड एंड यूजलेस वीडियोस. माय टीचर्स लाइक यू, वर्क वेरी हार्ड, इट टेक्स अ लॉट ऑफ आवर्स टू क्रिएट कंटेंट एंड एवरी टाइम यू गाइस टू ब्रिंग न्यू सीरीज ऑल द गाइस टेक क्लासेस फॉर प्रोग्रेस इज वेरी पजलिंग अबाउट दैट एंड इफ यू वुड गिव मैसेज टू दोज अमेजिंग हार्ड वर्कर्स हु वर्क बिहाइंड ईच एंड एवरी ब्यूटिफुल स्लाइड. And there are still some people who dislike educational video which shares a lot. You read, oh my God. So, गौरी बेटा, मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि अगर आपको ये लगता है कि educational videos को ज्यादा likes नहीं मिलते हैं, दूसरे channels को ज्यादा like मिलते हैं. For example, XYZ, नाम नहीं लूंगी मैं. There are so many channels जिसको ज्यादा likes मिलते हैं as compared to educational videos. But सोचने वाली बात ये है कि उन वीडियोस को लाइक कौन देता है? हम जैसे लोग ही देते हैं ना, हम जैसे लोग जो यहाँ रहते हैं उनके जानते हैं. तो अगर हम ये बोले कि यूट्यूब पे जो लाइक फनी वीडियोस क्यों चलते हैं या फिर लाइक रैंट वीडियोस क्यों चलते हैं, सो इट इज बिकॉज लोगों को पसंद ही वही आता है, तो वही चलता है. जो लोगों को पसंद आएगा वही तो यूट्यूब पे चलेगा ना. तो अगर दुनिया के लोग एजुकेशनल वीडियोस पसंद करने लगे तो एजुकेशनल वीडियोस चलने लगेंगे. सो इट्स नथिंग रॉन्ग इन अदर्स वीडियोस डेफिनेटली. बट मैं उन लोगों से ये चीज जरूर कहना चाहूंगी जो डिसहार्टेड फील करते हैं, जिनके बहुत मेहनत करने के बाद भी वीडियोस पे लाइक्स नहीं आते, व्यूज नहीं आते. सो इट्स द सेम सिचुएशन लाइक अस. जब हमने चैनल शुरू किया था तब मुझे भी बहुत डिसहार्टनिंग फील होता था कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ. आज भी हर दिन होता है कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ, बट क्लास में 50 बच्चे क्यों आते हैं, 70 बच्चे क्यों नहीं आते, 100 बच्चे क्यों नहीं आते. बट इट्स लाइक कि एक टाइम के बाद मुझे फर्क नहीं पड़ता. मुझे ऐसा लगता है अगर वो 60 बच्चे जो हैं अगर वो पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो दैट इज सफिशियंट ना. ऐसे 120 बच्चों का मैं क्या करूं जो सिर्फ टाइम पास के लिए आते हैं, जो पढ़ने के लिए नहीं आते, जो इस चैनल का रियल मोटिव नहीं समझते. सो ऐसे बच्चे जो मतलब ऐसी ऑडियंस आपके जो आपसे दिल से प्यार करती है, वो ऑडियंस कितनी ही कम क्यों ना हो बट वो बहुत वैल्यूएबल होती है. कभी भी ज्यादा ऑडियंस आपके कोई काम नहीं आने वाली. अगर आपके पास गिनती के भी बच्चे हैं जो आपसे बहुत दिल से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वही आपकी लाइफ में रियल हैप्पीनेस ला सकते हैं. ओके, हैव यू लिसन टू द सॉन्ग ऑफ दिस गाय? नो कौस्तुभ दास, आई डोंट इवन नो दैट गाय. Love you too, Alku. Love you too forever, beta. Hi, Nisha Sagar. Okay, 107 ले लूं. चलो ठीक है भाई, अब बोल दिया तो ले लेते हैं. 107 is कहाँ पे है? हाँ, what was your most embarrassed moment in your school life? सच्ची सच्ची बताना. अरे बापरे. हाँ बिल्कुल, मेरी स्कूल लाइफ में एक बहुत ही एम्बैरेसिंग मोमेंट रहा था मेरे लिए. मतलब बाद में जब मैं अब सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है इतना भी एम्बैरेसिंग नहीं था जितना मैं सोचती थी उस टाइम पे. बट उस टाइम में मुझे बहुत बुरा लगा था. हुआ ये था कि
हमारे क्लास में कोई टीचर नहीं था, मतलब जो टीचर आने वाले थे वो शायद एबसेंट थे या और जो भी है, कोई टीचर नहीं था हमारे क्लास में बहुत देर तक। तो हम सारे फ्रेंड्स जो है ना वो पकड़ा पकड़ाई खेलने लग गए क्लास के अंदर ही, ठीक है। तो क्लास के अंदर ही हम भागा दौड़ी करने लग गए, पकड़म पकड़ाई खेलने लग गए, और फिर क्या हुआ कि अचानक से हमारे एसएसटी के टीचर आ गए। और जब हमारे एसएसटी के टीचर आ गए उसी मोमेंट पे मैं और मेरी एक फ्रेंड जो है वो हम भागते हुए जा रहे थे मस्त, तो उन्होंने एकदम से हमें देख लिया। तो उन्होंने देख तो लिया, दैट वॉज वन पार्ट। बट द सेकेंड पार्ट वॉज कि जब उस टाइम में क्लास 9th में थी, तो उस टाइम में मॉनिटर कोई और था, बिकॉज उस ईयर में मैंने मॉनिटर बनना चूज नहीं किया था। और जो मॉनिटर था वो पता नहीं क्यों मुझसे बहुत चिढ़ता था, शायद इसलिए क्योंकि मैं बहुत बातूनी थी, तो बट ऑफ कोर्स वो बोलता ही होगा, बोलता ही था। तो उसने क्या किया, हमारा नाम नोट डाउन कर लिया, जबकि पूरी क्लास खेल रही थी बट सिर्फ हमारा नाम नोट डाउन कर लिया। और फिर अगले दिन जब हमारी क्लास टीचर आई तो उसने उसने हमारा नाम उन्हें बता दिया। और फिर हुआ ये कि हमारी जो क्लास टीचर थी उन्होंने हमें पूरे स्कूल में घुमाया अपने पीछे पीछे, मतलब उन्होंने पनिशमेंट दी कि आज के पूरे दिन तुम दोनों को मेरे साथ घूमना है पूरे स्कूल में। एंड इट वाज सो एम्बैरेसिंग, मतलब उस टाइम पे तो मुझे बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी कि हाय मेरे साथ क्या हो गया, ये मैंने क्या कर लिया। बहुत बहुत मेरे को बुरा लगा था, एंड मेरे को गुस्सा भी आ रहा था कि सब बच्चे तो कर रहे थे, मुझे ही क्यों पकड़ा इसने। तो उसके बाद देन आफ्टर सम टाइम क्या हुआ था कि ऑफकोर्स पूरे दिन का पनिशमेंट तो मिला ही नहीं, एक पीरियड का भी नहीं मिला, आधा ही पीरियड हुआ था फर्स्ट पीरियड का। और फिर हमने मैम को बोला कि मैम हम खेल वेल नहीं रहे थे, वो हमें ना लाइब्रेरी से बुक लेनी थी, तो हम जल्दी जल्दी जा रहे थे बुक लेने के लिए, और मॉनिटर ने हमारा नाम लिख दिया। एंड देन मैम वॉज लाइक कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, चलो वापस चले जाओ। मतलब कुछ बिग डील नहीं हुआ था, बट बहुत शर्म आई थी उस दिन जब ऐसा हुआ था हमारे साथ। इट वॉज वन वेरी एम्बेरसिंग थिंग फॉर मी। ओ मेलोडिक बर्ड्स, वेलकम बैक। बेस्ट रेफरेंस बुक फॉर मैथ, इट इज आरडी शर्मा, आयुष अग्रवाल, ठीक है। 91, अच्छा भाई साहिबा, चलो 91 देख लेते हैं। हाउ डू यू स्टे फुल एनर्जेटिक होल डे टेकिंग सो मेनी क्लासेस मेकिंग पीपीटीज फॉर आस, टेक अ निंजा टीच अ निंजा टेक्निक टू से एनर्जेटिक टू स्टे एनर्जेटिक। अच्छा मैं एनर्जेटिक क्यों रहती हूँ इसका मैंने आपको बार बार रीजन बताया बच्चों। मतलब मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है, जब मैं पढ़ाती हूँ ना और जब बच्चे सुन रहे होते हैं जो मैं पढ़ा रही हूँ, तो मेरे अंदर एनर्जी अपने आप आ जाती है और मैं फुल ऑन जोश से पढ़ाती हूँ। बिल्कुल, अगर मुझे लगता है कि सामने वाला बच्चा मेरी बात नहीं सुन रहा, वो पढ़ ही नहीं रहा है, तो मेरा जोश अपने आप डाउन हो जाता है, ठीक है। तो जब भी बच्चे क्लास में कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करते हैं तो डेफिनेटली मेरा जोश बहुत हाई हो जाता है। और जब बच्चे बातें करने लग जाते हैं, टाइम पास करने लग जाते हैं और सुनते ही नहीं है कुछ बातें और अपने आप में ही बात करने जाते हैं, तो मेरा जोश अपने आप डाउन हो जाता है। तो द रीजन फॉर स्टेइंग एनर्जेटिक इज वंस अगेन, मेरे को कभी भी सैड होना या लो एनर्जी का होना अच्छा ही नहीं लगता है। मतलब अगर मेरी एनर्जी कम हो जाए तो मुझे खुद ही बुरा लगने लगता है, इसलिए मैं कभी भी लेस एनर्जेटिक नहीं रह सकती और रहती ही नहीं हूँ। ओके नेक्स्ट इज 90, अच्छा यहीं पे 90। मेक अ क्वेश्चन पेपर एंड अपलोडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर दीज मेनी थिंग्स। ओ क्वेश्चन पेपर, सॉरी नॉट पॉसिबल बेटा, क्वेश्चन पेपर बनाना या फिर अपलोड करना, बिकॉज उसका सोल्यूशन भी बताना पड़ेगा, विच इज़ वेरी वेरी टाइम टेकिंग एंड डिफिकल्ट टास्क फॉर मी। अगर आप चाहते हो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है एंड बाकी काम करना, तो फिर आप बना लो ना, मतलब आप प्रो सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर लो, देयर यू कैन गेट इट, ठीक है। आज इलेक्ट्रिसिटी को क्या हो गया, व्हाट इज हैपनिंग टू इलेक्ट्रिसिटी। ओके 50 तो हम पहले भी चेक कर चुके हैं, चलो अब नीचे से कुछ डाउट निपटाते हैं। स्तुति इज आस्किंग व्हाट इज द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट ऑफ लास्ट ईयर ऑफ निंजास एंड मैथमेटिशियन व्हिच मेक्स यू हैप्पी व्हेन यू थिंक ऑफ इट, एंड एज अ टीचर हैव यू एवर बीन एक्सप्लॉइटेड एंड हाउ डू यू रिएक्ट। नो आई हैव नेवर बीन एक्सप्लॉइटेड एंड आई हैव बीन वेरी वेरी हैप्पी माई एंटायर टीचिंग लाइफ। एंड मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट, मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट जैसा तो कुछ नहीं है मेरी लाइफ में एज मैथमेटिशियन और निंजा। मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट्स मेरे लिए तब होते हैं जब कोई बच्चा दिल से मुझसे कहता है कि हाँ मैम आपके पढ़ाने की वजह से मुझे ये सब्जेक्ट समझ में आने लगा, पसंद आने लगा, दैट इज वेरी वेरी मेमोरेबल थिंग फॉर मी। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज एक्सरसाइज विथ सॉन्ग फ्रॉम BTS, सॉन्ग फ्रॉम BTS इज DNA, अ गुड सॉन्ग, ठीक है। मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट मैंने बता दिया, लैम जिन भी,
हाय फाय अमन, बेस्ट फ्रेंड्स की मेमोरीज बता दिया. प्लीज गिव अस योर कॉन्टैक्ट नंबर. ओ माई गॉड, आई कांट. वट इज रैशनल नंबर? आई विल टेल यू इन द क्लास. जारा मैम, विच इज योर फेवरेट गेम और स्पोर्ट? मेरा फेवरेट स्पोर्ट था वॉलीबॉल. मेरे को बहुत पसंद था, मैं बहुत खेलती भी थी, बट अब नहीं खेलती हूँ. विच चैप्टर डू यू फाइंड हार्ड इन स्कूल एंड नाउ? इंटीग्रेशन मुझे काफ़ी हार्ड लगता था, एंड लिमिट्स काफ़ी हार्ड लगता था मुझे. जब आप इंटीग्रेशन और लिमिट्स में पहुंचोगे ना 11th 12th में, तो भी आपको समझ में आएगा असली मैथ क्या होता है. बच्चों बहुत टफ होता है. 45, ओके. वेर इज 45? हाउ आर यू सो लवेबल, काइंड हार्टेड एंड सो पेशेंट, स्पेशली वेन डीलिंग विथ यू स्टूडेंट्स? ओके हिबा, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी पेशेंट एट ऑल टाइम्स, और टू बी आई विल से यस, हाँ, पेशेंस होना तो काफ़ी काफ़ी मुश्किल काम है, बट लवेबल होना बहुत आसान है. किसी से प्यार करना बहुत आसान होता है, एंड स्पेशली जब आपको सामने से इतना प्यार मिल रहा हो तो डेफिनेटली. दूसरी चीज़ है कि मैं इतनी पेशेंस कैसी हूँ, तो पेशेंट मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैं बच्चों से थोड़ा सा डरती भी हूँ. डरती हूँ इन द सेंस ऑफ कि कहीं मेरी कोई बात उन्हें बुरी ना लग जाए, हर्ट ना कर जाए. दैट इज़ वाई मेरे अंदर मैं बहुत पेशेंस रखती हूँ, एंड कभी भी किसी बच्चे को डांटने की या कुछ बोलने की कोशिश नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर बच्चे बदमाशी नहीं करेंगे तो कौन करेगा, अगर बच्चे बातें नहीं करेंगे तो कौन करेगा. आप मतलब आप बातें करना है करो, आपको बदमाशी करना है करो, बट हमेशा एक अच्छे इंसान बन के रहो, अच्छे काम करो, कभी भी बदमाशी से किसी का बुरा ना करो. तब तक सब कुछ चंगा सी, सब कुछ बढ़िया है. अगर आप मजे करना चाहते हो, बिल्कुल करो, बिल्कुल खुशियाँ मनाओ, खुश रहो. एंड दैट्स वाई मैं हमेशा कोशिश करती हूँ स्टूडेंट्स के टूवर्ड्स काइंड रहने की और लवेबल रहने की, बिकॉज आई ट्रूली ट्रूली फील की बच्चों को हमेशा हंसते मुस्कुराते और मजे से रहना चाहिए. ओके, प्लीज टीचर्स कोडिंग. ओके, विल डेफिनेटली ट्राई फॉर दैट. 51 किसका है भाई? मैम आर यू मैरिड? बता तो दिया है. एंजल दोबारा पूछ रही हो. 97 97 इज, लेट्स सी. How are you so good in maths? Am I good in maths? I don't know. But yes, there was a time जब मैंने maths के पीछे बहुत मेहनत की थी, और बिना मेहनत के maths not possible है. अगर आपको लगता है कि सिर्फ online classes attend कर लो कि आप maths में master बन जाओगे, ऐसा नहीं है. मेहनत तो करनी पड़ेगी, practice तो करना पड़ेगा, ठीक है? मैम लुक किरण, आई डोंट रिमेम्बर द नंबर. ओके किरण बेटा, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सी योर नेम. हाँ, तो हम लाइन वाइज जा रहे थे ना. नेक्स्ट इज डोरेमोन और शिनचैन. शिनचैन फेवरेट क्लास? देयर इज नथिंग लाइक दैट. व्हाई आर यू सो काइंड, सो स्वीट ऑफ यू परी. हाउ यू सो गुड इन मैथ्स? आई टोल्ड यू शैली. देन हैव यू प्लेड बिजनेस? बहुत बार खेला है यार, बचपन में बिजनेस बहुत खेला है, बहुत मजा आता था. पोकेमॉन क्विज भर भर के खेला है. पोकेमॉन ही मेरा फेवरेट था बचपन में. आदित्य वर्मा इज आस्किंग हाउ डू यू मैनेज योर टाइम? टू की पॉइंट्स टू गेट सक्सेस इन लाइफ. आई मैनेज माई टाइम बाई डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, एंड इसके पीछे मेरी फैमिली का भी साथ है काफ़ी ज़्यादा. एंड अपना टाइम मैं मैनेज कर पाती हूँ बिकॉज आई हैव अ वेरी सपोर्टिव फैमिली. और टाइम मैनेजमेंट बेसिकली कभी कभी हमें खुद को डेडलाइन देनी पड़ती है कि इतने देर में हम इतना काम कर ही लेंगे, वरना नहीं कर पाते हम सारा काम. एंड की पॉइंट्स टू गेट सक्सेस इन लाइफ इज पेशेंस. हमेशा पेशेंस रखो कि तुरंत चमत्कार नहीं होने वाला, टाइम लगेगा कुछ अच्छा हासिल करने में. सेकेंडली इज सेकेंड की पॉइंट में जो मैं खुद फील करती हूँ वो है ग्रैटिट्यूड, कि हमेशा ऊपर वाले का शुक्र अदा करो, थैंकफुलनेस रखो अपने नेचर में. अगर आपके नेचर में थैंकफुलनेस और काइंडनेस रहेगा तो आप अपनी जिंदगी में बहुत आगे जाओगे. तो वन थिंग इज पेशेंस, एंड द अदर थिंग इज थैंकफुलनेस एंड काइंडनेस. दीज आर द टू सक्सेस ऑफ लाइफ, टू रूल्स फॉर सक्सेस ऑफ लाइफ, ठीक है? वेर यू इन गर्ल्स कॉलेज? नो, इट वॉज अ कोएड, कोएड कॉलेज, कोएड स्कूल, ठीक है? ओके रुमैसा,
ओके फेवरेट मूवी. मूवी तो बहुत सारी फेवरेट्स है, कोई पर्टिकुलर मूवी फेवरेट नहीं है मेरी ऐसी. एंड शिवानी का क्वेश्चन हो गया, बिहाइंड द सीन्स हो गया. आई थिंक वी हैव टेकन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस बच्चों, एंड 1 आवर इज गोइंग टू बी ओवर नाउ. सो दैट्स ऑल, लेट्स वाइंड अप द सेशन. अच्छा किरण बहुत देर से गई थी ना, किरण का सेशन मिल गया मुझे. मैम कैन यू कीप आस्क एनीथिंग सेशन मोर ऑफन एंड होप ऑल द टीआरस आर फाइन एट वेदांतु. यस इफ यू नो अभिषेक सर प्लीज टेल दैट देर इज अ टॉप का फैन ऑफ सर एंड इज किरण. डेफिनेटली किरण, आई विल टेल हिम, आई विल टेल हिम. ओके ओके नेक्स्ट इज मैथ्स का प्रॉब्लम. सो सॉरी. हाउ आर यू अक्का, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी एंड हाउ आई एम. यू आर अ वेरी ब्राइट चाइल्ड युगंशी, यू आर अ वेरी स्मार्ट किड, बट यू हैव टू बी अ लिटिल मोर पेशेंस इन योर लाइफ. दैट्स ऑल आई विल से, एंड आई लव यू टू. नेक्स्ट इज विस्मया मैम, यर व्हाट आर यू फियर्स, व्हाट इज द बिगेस्ट फियर ऑफ यू. एंड माई फियर इज बटरफ्लाई. ओ माई गॉड, येस इट इज फनी विस्मया. मेरा बिगेस्ट फियर है टू लूज एनी वन. आई रियली रियली फियर दैट एंड आई डोंट वॉन्ट टू एवर फेस दैट इन माई लाइफ. उसके अलावा भूत प्रेत और आत्माओं से मुझे बहुत डर लगता है बच्चों, मेरी बहुत फटती है. मैं अगर हॉरर मूवी देख लूँ तो मैं अकेले नहीं सो सकती, मैं बहुत डरती हूँ उनसे. सो येस भूतों से मुझे बहुत डर लगता है. ठीक है शार्वी अंधारे टेकिंग योर नेम. ओके गाइस सो लेट्स जस्ट वाइंड अप टुडे सेशन. आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं. आई ट्राई टू आंसर एज मेनी डाउट्स एज पॉसिबल. अगर किसी बच्चे का कोई डाउट रह गया हो तो आई एम सो सॉरी, बट नेक्स्ट टाइम हम उस पार्ट टू कर लेंगे एंड फिर से आपका ले लेंगे आपके क्वेश्चन. आई थिंक आई होप यू गाइज एंजॉय टूडे सेशन. ठीक है हाउ कम आयुष, हाउ कम, थैंक यू सृष्टि, थैंक यू एवरीबॉडी, सो स्वीट ऑफ यू ऑल. हाई जूबी, हाई जूबी, हाई एवरी वन. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. Okay guys, so that's all about today's session, and if you guys want to keep having such fun with me, then don't forget to subscribe to our channel of Vedantu Math Pirates, and don't forget to like the today's video. और अगर आप ऐसे ही super fun, amazing sessions के साथ मेरे साथ पढ़ाई करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं वेदांतु की प्रो क्लासेस भी, जहां आपको अनलिमिटेड लाइव क्लासेस मिलती हैं, मजेदार लाइव क्विजेस मिलते हैं, रिकॉर्डिंग्स भी, नोट्स भी, डाउट सॉल्विंग भी, टेस्ट सीरीज भी, असाइनमेंट्स भी, माइक्रो कोर्सेज भी, सब कुछ मिलता है एक ही जगह पे. एंड एनरोल करना भी बहुत आसान है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, यूज द कोड. एंड बाय द वे गाइस, डू यू गाइस वांट टू सी माय कैट? सो आई हैव माय कैट फॉर यू ऑल. So this is my cat Polu. Polu say hi to everybody. Polu was sleeping, so now he is a bit sad ki main use kyun le aayi. So this is our cat Polu. Polu say hi. Say hi. Polu say hi. Say hi to everybody Polu. So this is my Persian cat Polu, and you guys can say hi to me. हाय टू पोलू. और ये अब आई थिंक 4 महीने का होने वाला है, ऑलमोस्ट शायद हो भी चुका है 4 महीने का, वी डोंट नो एग्जैक्टली. एंड ही इज अ पर्शियन कैट, वेरी क्यूट, वेरी लेजी, बट येस वेरी क्यूट कैट. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट पोलू इज अगर आप लोग इससे सुबह मिलोगे ना तो ये आपके साथ बहुत अच्छा फुटबॉल खेल सकता है. तो जिसका भी फुटबॉल फेवरेट गेम है वो पोलू के साथ फुटबॉल जरूर खेल सकता है. इसे बहुत पसंद है फुटबॉल खेलना एंड बहुत प्यारा बच्चा है. ओके सो आई थिंक 1 विश इज ग्रांटेड. आप सबको, आप सबने मेरा कैट देख लिया और अभी थोड़ा सा डर रहा है एंड ही वॉन्ट्स टू गो अवे. चलो ओके सो बोलो से बाय टू एवरीबॉडी. से बाय, बाय बोल दो, बाय बोल दो, बाय बोल दो. नहीं अच्छा
ओके गाइस, सो ये था मेरा कैट पोलू, एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास टुडे. आई होप दैट यू गाइस हैड फन एंड आई होप दैट यू गाइस एंजॉय टुडे सेशन. एंड अगर किसी का कोई डाउट रह गया हो तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट. एंड नेक्स्ट क्लास में मैं आपका डाउट लेने की, आपके जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी. चलिए एवरीबॉडी टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रो सब्सक्रिप्शन एनरोल जरूर कर लें. अगर आप अपने मैथ साइंस एसएसटी और इंग्लिश चारों सब्जेक्ट को सुपर स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, यूज माई कूपन कोड SKPRO टू गेट द 10% डिस्काउंट ऑल्सो. एंड डोंट फॉरगेट, वेडनेसडे को आने वाला है मेंटी मेनिया, और मेंटी मेनिया में आपको क्या मिलने वाला है, कीप गेसिंग बाय दिस हिंट ओवर हियर. आई एम श्योर यू ऑल विल गेस फॉर इट. ओके गाइस, सो बाय बाय एवरीबॉडी, बाय बाय, दिस इज टुमारो शेड्यूल. थैंक यू सो मच, कल फिर मिलेंगे हम अगले सेशन के साथ. टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, बाय गाइस. ओके सृष्टि, ओके शिवानी, बाय बाय ऑल ऑफ यू, बाय.